जिले में 4 साल से फरार चल रहे लूट और डकैती के मामले में 5,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार के निर्देशन में प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में वंचित अभियुक्त सुभाष चंद विगत 4 सालों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर की ओर से 5,000 रुपए के नाम की घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को उक्त वांछित अभियुक्त के उदयपुर शहर में हुलिया बदल कर निवास करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस टीम की ओर से रेकी कर उक्त स्थान को चिन्हित कर मकान की सतत निगरानी रखना शुरू किया। लेकिन वांछित अभियुक्त काफी शातिर था, उसने अपना हुलिया बदल लिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने इनामी बदमाश की हरकतों को जानते हुए आखिरकार उसे डिटेन कर ही लिया। जिले के दांता रामगढ़ ब्लॉक के खाटूश्यामजी कस्बे के वार्ड नंबर 8 सीतारामपुरा गांव में एक विवाहिता मकान में कुंदे से रस्सी के फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता विमला देवी घर पर कार्य कर रही थी और वहीं पति घर से बाहर खेत में कार्य कर रहा था। तभी इसी दौरान मृतका विमला देवी ने अपने घर पर ही मकान की छत में कुंदे से रस्सी का फंदा लगाकर गले में डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवा कर अपने कब्जे में लेकर खाटू श्यामजी CHC की मोर्चरी में रखवाया। राजधानी के करोल बाग थाना इलाके में एक व्यक्ति के बैग से 12.5 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक राजस्थान से करोल बाग आए एक ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी करने आए शख्स को 3 लोगों ने बेवकूफ बनाकर बैग से 12.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित भंवर सिंह ने करोल बाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक जब वह देवबंधु गुप्ता रोड पार कर रहे थे, उसके दौरान 3 व्यक्ति उन्हें मिले और अपने आप को CBI का अफसर बताकर बैग की जांच करने को कहा। शिकायत में पीड़ित ने आगे बताया कि बैग की जांच करने के बाद उन्हें बैग वापस कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने बैग बाद में देखा तो वह खाली था और 12.5 लाख रुपए गायब थे। हालांकि बैग में 25 लाख रुपए थे। सिंदरी पुलिस ने शनिवार को गोगाजी का धोरा में एक खेत से 8,224 अफीम के पौधे बरामद किए। SP आनंद शर्मा ने बताया कि बालोतरा SP नितेश आर्य बुडा मलानी DSP शुभकरण के निर्देश में पुलिस थाना सिंदरी के थाना अधिकारी बलदेव राम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सिंदरी थाना अधिकारी बलदेव राम को मुखबिर से सूचना मिली कि सरहद गोगाजी का धोरा भाटा में दीपाराम पुत्र रघुनाम रात जाति कलबी ने अपने पुश्तैनी खेत में अनार की फसल के बीच अवैध डोडा पोस्ट की फसल बोई हुई, जिस पर थाना अधिकारी बलदेव राम मई जापता सरहद गोगाजी का धोरा भाटा दीपाराम कलबी के अनार के खेत में पहुंचे। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल करने पर दीपाराम ने अपने खेत में अनार की खेती के बीच में अलग अलग 5 क्योरों में अफीम के पौधे की खेती की हुई थी, जिस पर पुलिस ने अफीम के हरे पौधों को उखाड़कर गिनती की गई तो कुल 8,824 अफीम के हरे पौधे पाए गए। जिले के बीचीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने लाखों की सिगरेट चोरी के मामले में 3 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की ओर से जिले में वंचित और फरार चल रहे आरोपी की निगरानी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस सिगरेट चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी की भी तलाश कर रही थी, जिस पर बीचीवाड़ा थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि 18 दिसंबर 2017 को नेशनल हाईवे पर कंटेनर से 325 कार्टून सिगरेट के चोरी हो गए थे। घटना के बाद से मामले में आरोपी रमेश गुर्जर उर्फ JS गुर्जर निवासी मोतीपुरा जिला भिलवाड़ा फरार चल रहा था और उसकी तलाश की जा रही थी।